सो वी हैव डन एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन पारामीटर थ्रू कॉन्फिडेंस इंटरवल वी डीड कॉन्फिडेंस इन टर्स फॉर कंटेनिंग पॉपुलेशन प्रपोर्शन एंड कंटेनिंग पॉपुलेशन मीन लेकिन मोस्टली हम जैसे रिसर्च करते हैं और थीसिस भी करते हैं कि वी कंपेयर टू ग्रुप्स और हम फिर उसमें देखना चाहते हैं कि जैसे मैं मैन और वेमेन को कम्पेयर कर रही हूँ वर्किंग नॉन वर्किंग वुमेन को कम्पेयर कर रही हूँ बॉयज़ एंड गर्ल्स को कंपेयर कर रही हूँ किसी भी पर्टिकुलर फिना के ऊपर जैसे एक्सरसाइज़ के अंदर ही मैं बॉयज़ और गर्ल्स का रेट देख रही हूँ कि डिफरेंट किस तरह से क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और पॉपुलेशन के अंदर फिर उसका रेट क्या उसी डिफरेंस के साथ होगा जो मेरे सैंपल में आया है कि नहीं आया सो देन वी कैलकुलेट और कंस्ट्रक्ट कॉन्फिडेंस इन फॉर डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स सो यू कलेक्ट अ लार्ज सैम्पल ऑफ ऑब्जर्वेशन एट लीस्ट थर्टी सैम्पल साइज़ शुड बी ग्रेटर दैन थर्टी टू फॉर्म द कॉन्फिडेंस इन टर्वल फॉर यूजिंग जी टेस्ट और जी वैल्यू और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपका सैम्पल साइज़ थर्टी से कम है तो फिर आप क्या करेंगे आप टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे और जिस तरह हम जी का टेबल देखते हैं बिल्कुल इसी तरह हम टी टेस्ट के टेबल में उसकी वैल्यू देखेंगे लेकिन टी टेस्ट के वैल्यू में मैं फिर आपको बताऊँगी कि उस टेबल में वैल्यू देखने के लिए आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का पता होना चाहिए और वो हम बाद में बात करेंगे सो फॉर दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्फिडेंस इन टर्वल वी विल बी यूजिंग साम्पल साइज ग्रेटर दैन थर्टी मोर लाइकली सो इंडिपेंडेंटली अंडर ईच कंडीशन और फ्राम ईच ग्रुप एंड कंप्यूर्ड द मीन एंड द स्टैंडर्ड एविये फॉर द इच साम्पल आप दो सैम्पल्स निकालते हैं आपने वमेन का, का निकाला है आपने मेन का निकाला है एंड देन यू कैलकुलेटेड मीन फॉर द बोथ ग्रुप्स और दोनों का आपने स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियशन भी निकाला है यू विल कंप्यूट द स्टैंडर्ड एरर फॉर बोथ द ग्रुप्स यूजिंग द सेम फार्मूला विच इज सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। तीसरा स्टेप है कि आप उसको स्क्वायर द टू स्टैंडर्ड एरर्स एंड ऐड देम टुगेदर एंड देन टेक द स्क्वायर रूट सो आपका स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने का तरीका जब आपने डिफरेंस इन टू मीन्स है तो उसका आपका फॉर्मूला है कि आपने स्क्वायर रूट करना है बेसिकली स्टैंडर्ड एरर वन को और स्टैंडर्ड एरर टू को तो so आपका पहला जो स्टैंडर्ड एरर है और आपका जो दूसरा स्टैंडर्ड एरर है जिसका फॉर्मूला हमें पता है सिग्मा ओवर एन अंडर रूट आपने दोनों को प्लस करके उसका अंडर रूट लेंगे तो दैट वुड बी द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन डिफरेंस और उसको हम इस तरह से शो करते हैं Mean 1 means 2. This is the standard error or the standard deviation of the sampling distribution of difference between two means. So if you want to construct the confidence interval for difference between two means, again the formula is the same as we have done that the difference yani sample 1 sample two that is actually we are going to estimate the population from the same difference. So what uh, do sample difference. लेंगे? प्लस माइनस z इन स्टैंडर्ड एरर और जो स्टैंडर्ड एरर मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में फॉर्मूला बताया है विच इज़ मीन वन माइनस मीन टू आपने जो निकाली है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे z के साथ और हम एक दो प्लस करेंगे एक दो माइनस करेंगे ये टू के साथ मैंने इसलिए किया हुआ है कि आपने रफली टू स्टैंडर्ड डेविएशन या थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आप टेबल में से जाके आप 99% परसेंट एरिया या 95% परसेंट एरिया मार्क करें उसको दो पे डिवाइड करें और उसका करिस्पॉन्डिंग जी स्कोर देखें और फिर उससे करें तो यू कैन फाइंड द एग्जैक्ट बट अदरवाइज़ आप टू स्टैंडर्ड डिविशन भी जा सकते हैं सो so, वन के बगैर आप टू का जी देखेंगे तो उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं सो so, हमने पीछे जो एग्ज़ाम्पल की है कि आपका वेट लॉस यूजिंग एक्सरसाइज प्लान एंड यूजिंग डाइट प्लान आपका क्या है और वी फाउंड के इंटायरली जो हमारी डाइट uh, प्लान के साथ हमारा वेट लॉस था वो सिग्नीफिकेंटली uh, ज़्यादा था अगर हम उसी में दो ग्रुप यूज़ करें और उनको हम डिफरेंस कैलकुलेट करके हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर्म करें फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स का तो दिस इज़ हेयर आई हैव सॉल्व इट जिसमें कि हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है कि हमने फॉर्मूला हमें कौन इसका पता है कि दैट इज सैंपल डिफरेंस प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू मीन्स और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हमें पता है कि वो है हमें आपने पहले ग्रुप का स्टैंडर्ड एरर और दूसरे ग्रुप का स्टैंडर्ड एरर लेके उनको प्लस करना है और फिर आपने उसको अंडर ले लेना है सो so, हमने पिछले एग्जांपल में जो हमने किया था मेन डिफरेंस वाला हमने वहाँ पे स्टैंडर्ड एरर पहले की भी निकाल ली थी और दूसरे की भी निकाल ली थी और दोनों ग्रुप का हमें मीन और स्टैंडर्ड डिविजन दिया हुआ था अगर आपको रिकॉल कर सकते हैं आप पिछली स्लाइड पे जाके देख सकते हैं तो यू कैन सी कि हमने उसको निकाला सो so, हमने स्टैंडर्ड एरर का स्क्वायर लेना है पहली वाली का और फिर दूसरी वाली का और फिर उसका रूट ले लेंगे सो so, पहली का स्टैंडर्ड एरर हमने पॉइंट फाइव सेवन वन निकाला था और दूसरी का हमने पॉइंट फाइव सिक्स नाइन निकाला था सो so ये हमने स्टैंडर्ड एरर निकाला था एक्सरसाइज का और ये हमने निकाला था डाइट का हमने दोनों को स्क्वायर किया उसका अंडर रूट लिया तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन डिफरेंस हमारे पास पॉइंट एट वन आ गया अब कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए हमारे पास फार्मूला पता है कि हमने डिफरेंस इन सैपल मीन्स लिखना है और Z की जगह मैंने रफली टू लगा दिया और फिर हमने उसका स्टैंडर्ड एरर पुट करना है जो हमने निकाला है तो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन डिफरेंस फॉर बोथ द ग्रुप्स विच इज़ पॉइंट एट वन वी मल्टीप्लाइड विद द Z टू एंड देन डिफरेंट साम्पल का हमारा सेवन पॉइंट टू मीन था एक्सरसाइज वाले का डाइट right वाले का और फोर था हमारी मीन एक्सरसाइज वाले का तो सेवन पॉइंट टू माइनस फोर इज थ्री पॉइंट टू और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ वन पॉइंट सिक्स सो so, हमारी दोनों सैम्पल मीन्स की डिफरेंस जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल दैट इज़ 1.6 से लेके 4.8 केजी पॉइंट के दरमियान है सो द डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स अगर हमने उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट किया है तो इसका मतलब है कि दोनों ग्रुप्स में जो डिफरेंस है इंटायर पॉपुलेशन में वो 1.6 से लेके 4.8 के दरमियान आ सकता है याद रखें कि आपके सैम्पल में दोनों का मीन डिफरेंस 3.2 था लेकिन आप 3.2 का डिफरेंस पूरी पॉपुलेशन पे नहीं कर सकते पॉइंट एस्टिमेशन के जरिए बल्कि आप उसके लिए एक पॉपुलेशन के लिए आप एक कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर्म करेंगे सो so हम अब कह सकते हैं कि अगर आप डाइट का यूज़ करें या एक्सरसाइज का यूज़ करें तो दोनों में डिफरेंस जो इंटायर पॉपुलेशन में है वो 1.6 से लेके 4.8 केजी के के दरमियान हो सकता है एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे इंटरवल के दरम्यान ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब होता है कि फिर हमारी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस इधर हमारा चूँकि दोनों इंटरवल्स के दरम्यान डिफरेंस में जीरो नहीं आ रहा तो वी कैन बी हाईली कॉन्फिडेंट के द डिफरेंस इन एवरेज वेट लॉस विद द हायर वेट लॉस फॉर डाइटिंग अलोन देन फॉर एक्सरसाइज हम इसमें अगर जीरो आ जाता तो फिर हमारा इतना श्योरली हम उसको एक्सप्लन नहीं कर सकते थे लेकिन चूँकि इंटरवल डज नॉट कंटेन ज़ीरो तो हम कॉन्फिडेंटली नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारे जो ज़्यादा जो वेट लॉस में डिफरेंस है वो हमारा डाइट के साथ ही आ रहा है एज कंपेयर टू एक्सरसाइज अलोन सो द मैथड वी हैव यूज जस्ट नाउ टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स एंड देन कंस्ट्रक्टिंग अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन डिफरेंसेस वो हम तभी यूज करेंगे वो वाला फार्मूला जो हमने पिछले स्लाइड में किया है वेन द सैम्पल्स आर इंडिपेंडेंट क्योंकि बहुत सी कंडीशन ऐसी होती हैं जब हमारा सैम्पल मैच्ड होता है या फिर रिपीटेड मयर्स जैसे हम करते हैं कि हम एक ही ग्रुप को ट्रीटमेंट uh, वन देते हैं फिर टाइम टू पे करते हैं फिर टाइम थ्री पे करते हैं रिपीटेड मयर नहीं बल्कि जब हमारे सैम्पल्स इंडिपेंडेंट होंगे यानी ग्रुप वन में पीपल आर डिफरेंट इन ग्रुप टू में पीपल आर डिफरेंट जैसा हमारा डाइट ग्रुप में देवा अदर पीपल एंड देन द एक्सरसाइज ग्रुप देवा डिफरेंट पीपल तो ये हम फार्मूला इंडिपेंडेंट सैंपल्स के लिए यूज़ करते हैं मैच्ड सैंपल्स या रिपीटेड मेयर के लिए हमारा फिर फार्मूला फ़र्क हो जाएगा आखिरी हमारी स्लाइड है कि हम कॉन्फिडेंस इन ट्रवल को रिपोर्ट कैसे करते हैं कॉन्फिडेंस इन ट्रवल को ये मैंने एक टेबल दिया हुआ है कि जो कि हमारी ए पी ए के मुताबिक अगर हमने पेपर्स में उसको रिपोर्ट करना है तो हम इस तरह से करते हैं कि हमने मसलन ये हमारी मटर्नल एजुकेशन और ग्रेड्स है कि आपकी एजुकेशन और ग्रेड्स का क्या है तो उसमें हमने स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स का डिफरेंस देखा हुआ है और हमारे पास दो ग्रुप्स हैं एक ग्रुप है जो कि जीरो सिगरेट्स लेते हैं एक टेन सिगरेट्स पर डे लेते हैं तो हमने दोनों ग्रुप्स में उनका डिफरेंस फाइंड आउट किया उन थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स एक उनका एजुकेशन और ग्रेड्स के ऊपर एक उनका आईक्यू के ऊपर और फिर उनका बर्थ वेट के ऊपर इन ग्राम्स के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि ग्रेड्स में उनका जो डिफरेंस है वो पॉइंट सिक्स सेवन का है लेकिन अगर हम उसका स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करके हम उसका इंटरवल बनाते हैं तो वो पॉइंट वन फाइव से वन पॉइंट वन नाइन के दरमियान होगा सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली वी कैलकुलेट वी गिव द सैम्पल डिफरेंस एंड देन वी गिव द नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर एनी वेरिएबल जैसे इसमें हमने ग्रेड्स का दिया हुआ है इसमें हमने आई क्यू का दिया हुआ है और इसमें हमने उसका बर्थ वेट का दिया हुआ है दिस इज़ हाउ वी रिपोर्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल्स In any journal paper or in our dissertation or in our thesis.